तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है और एक नया T20 के वीडियो के साथ। जैसा कि जो लोग मेरा सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता है, पहले भी मैं क्वांटा हेडशॉट की एक बढ़िया वीडियो ला चुका हूं और उसका लिंक ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उस वीडियो में क्या है ना, मैंने जो टिप दिया था वो थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल भी ईजी था। तो उसके मुकाबले आज का टिप थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये वाला जो टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और पिछला वाला जो टिप्स था उसमें मैंने बोला था कि आपका जो कर्सर है आप रेड करके ऊपर की तरफ रख के ड्रैग कीजिए तो इजीली वन टैप हो जाएगा। लेकिन उसमें परेशानी ये है, जब हम कस्टम खेलते हैं ना तो कस्टम में पहले कर्सर को एम करके रेड करो फिर ड्रैग करो, इतना टाइम नहीं मिलता प्रो प्लेयर के अगेंस्ट, क्योंकि प्रो प्लेयर का मूवमेंट इतना ज़्यादा होता है और वो इतना फास्ट गोली मारने का वॉल फेंकता है, आपको मौका ही नहीं मिलता इतना टाइम लेने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया जो टिप्स लाओ ये है डायरेक्ट वन टैप हेडशॉट। जी हाँ, और डायरेक्ट वन टैप हेडशॉट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जो नया प्लेयर है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, पहले आप अपना कर्सर रेड करके जो एम होता है वन टैप का वो प्रैक्टिस करो, फिर बाद में आप ये वाला टिप्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायरेक्ट ये वाला टिप्स आप कर नहीं पाओगे, आपका परेशानी होगी। और दोस्तों, मैं सब लोगों को गुजारिश करूँगा कि मेरे जैसा ऐसा बहुत सारा यूट्यूबर है जो कि बहुत ऐसा हेल्पफुल वीडियो बनाता है, तो आप लोग उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते पता नहीं। आप लोग बस बाहर की सर्वर के कुछ देखता हूँ मैं, थर्ड पार्टी ऐप हैक यूज़ करके लगातार फटाफट हेडशॉट देता है, अपना मूवमेंट स्पीड क्या बताऊँ सुपरमैन से भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो आप लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हो, उन लोगों को लीजेंड बनाते हो। जब भी फ्री फायर का लीजेंड प्लेयर का नाम आता है तो एक भी इंडियन का नाम नहीं आता, सब बाहर का प्लेयर का आता है, तो ऐसा क्यों है भाई। तो जो भी जितना भी इंडियन प्लेयर है उसको रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ मेरे को नहीं, ऐसा नहीं बोला सिर्फ मेरे को सपोर्ट करो, मैं बोला जितना भी सारा जेन्युइन अच्छा यूट्यूबर है सभी को सपोर्ट करो और दूसरे सर्वर का भी गेम प्ले देखो, लेकिन बार जब हो सपोर्ट करने का तो अपना अपना देश का जो यूट्यूबर है मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना अपना देश को सपोर्ट करो, यूट्यूबर को जो कि जेन्युइन है। हैकर को कभी भी सपोर्ट मत करो, चाहे वो जिस भी कंट्री पर बिलोंग करता हो, आप जेन्युइन प्लेयर को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और दोस्तों, जितना भी यूट्यूबर जो टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लाता है ना, उन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करो यार। लोगों का गेम प्ले देख के कि आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा आप बोलो, जितना भी लोगों का हेडशॉट देख लो आपका इम्प्रूव होगा गेम प्ले कभी नहीं। लेकिन जो भी बंदा, चाहे वो जो जैसा भी देश में बिलोंग करता हो, जो भी यूट्यूबर हो, जो टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लाता है, आप उन लोगों को जब फॉलो करोगे ना तब आप प्रो बन जाओगे, तब आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट दे पाओगे। तो जितना भी यूट्यूबर ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स और हेल्पफुल कंटेंट लाते हैं उनको ज़्यादा फॉलो करो, उनको ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि सिर्फ गेम प्ले देखता आपका गेम प्ले कभी इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम आ गए इधर आपको दिखाने के लिए। तो इसके लिए दो ट्रिक है, देखिए। नंबर वन, आप अगर राइट से फाइट ले रहे हो, देखिए अगर आपका एनिमी, अगर आप ऐसे गाटो राइट पे फाइट लेना है तो राइट में लगभग इतना दूरी पे आपका वॉइस रखना, आपका कर्सर नीचे ऊपर कोई फर्क नहीं, ठीक है। और आपका जो ड्रैग है ना ऐसे करके एल ऐसे एंगल, सॉरी एल नहीं, ऐसे एंगल पे जाएगा, ऐसे ऐसे राइट से लेके लेफ्ट पे ऐसे एंगल पे जाएगा, ऐसे ऐसे ए वाला। और अगर आप लेफ्ट साइड से फाइट ले रहा है तो आपका कर्सर पूरा लेफ्ट पे आएगा वाइट, और फिर ऐसे करके एंगल जाएगा ऐसे इस तरफ ऐसे करके। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाते हैं कैसे हो रहा है स्लो मोशन पे, और उससे पहले मैं सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ, जो कि मैं बोलता हूँ हाई सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो मेरा देखिए जनरल तो ज़्यादा नहीं है 30, क्योंकि मैं जो इमुलेटर प्ले हूँ आपको पता है, और मेरा जो माउस है वो 6000 DPI का, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है मेरा, तो इसलिए मैं इधर से घटा दिया। और जिन लोगों के पास नॉर्मल माउस है तो उसका DPI कैसे चेंज कर, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं स्लो मोशन पे आखिर माजरा क्या है। तो इधर देखिए एनिमी को मैं लेफ्ट साइड से फाइट ले रहा हूँ, पहले कर्सर को व्हाइट किया पूरा, अभी देखिए फायर बटन पे टच करके डायरेक्ट एंगल मैंने खींचा, तो देखिए कितना बढ़िया हेड लगा, सारा रेड नंबर, ओनली रेड नंबर, एक भी नंबर व्हाइट नहीं आया, कितना खतरनाक। इधर अगर लेवल 3 का भी हेलमेट होता ना तो पूरा खोपड़ी उठ जाता, इसमें कोई बचा ही नहीं सकता, नो चांस। एक ही बुलेट में बहुत ज़्यादा भयंकर डैमेज आता है क्लोज रेंज में। और दूसरे पे देखिए, इधर मैं राइट साइड सेम नहीं है इसलिए पहले कर्सर को व्हाइट किया, देखिए मैं नीचे ही, पैर के भी नीचे है, देखिए कर्सर ऐसा नहीं ऊपर है, लेकिन इधर से फायर बटन को दबा के मैं डायरेक्ट जो एम है ना एंगल पे खींचा ऊपर पे, और देखिए इसका भी इस खोपड़ी पूरा उड़ गया, सारा रेड नंबर, एक भी व्हाइट नंबर नहीं, और डायरेक्ट किल, ठीक है। तो ये वाला टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।